नमस्कार, मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भैया दूज पर बहनों ने तिलक कर भाई की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन के प्यार और त्याग का पर्व भैया दूज देश भर में धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने तिलक कर भाइयों के अच्छे भविष्य और लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने बहनों के घर भोजन भी किया। मान्यता है कि इस दिन बहन के घर का खाना खाने से भाई की उम्र बढ़ती है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भैया दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इसे भात्र द्वितीया या यम द्वितीया भी कहते हैं। यमराज के वरदान के बाद शुरू हुआ भैया दूज का पर्व। यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए तो बहन ने भाई के लिए खाना बनाया और खूब आदर सत्कार भी किया। यमराज जब विदा लेने लगे तो उन्होंने बहन यमुना से कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने कहा कि आप मुझे यही वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। कहा जाता है कि इसी के बाद हर साल भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। माँ की गोद में लौट आई कनक, करीब 1.5 साल पहले हुआ था दर्दनाक हादसा। 24 मई 2017 को मेरठ के शास्त्री नगर में हुई सड़क हादसे में कनक का शरीर 2 हिस्सों में बट गया था। फिर भी वह माँ से बात करती रही थी, हालांकि चंद मिनटों बाद उसने दम तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद पिता सुभाष सिंह और उनकी पत्नी ने निर्णय लिया कि कनक को दुनिया में वापस लाएंगे। उनकी यह इच्छा तब पूरी हो गई जब सुभाष सिंह की पत्नी ने बिटिया को जन्म दिया। माता पिता का मानना है कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी कनक है। तालिबान की धमकी के बावजूद लोकतंत्र में बड़ी लोगों की आस्था। तालिबान की धमकी और हिंसा के बीच अफगानिस्तान में संसदीय चुनाव संपन्न हो गए। हालांकि इस दौरान हिंसा में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद करीब 30 लाख लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। मतदान प्रतिशत को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में तालिबानी व्यवस्था से लोगों का मोहभंग हुआ है और लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। अफगान संसद में हिंदुओं और सिखों के लिए पहली बार सीटें आरक्षित। अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय की संख्या को देखते हुए सदन में उनको प्रतिनिधित्व देने की पहल हुई है। इस बार चुनाव में पहली बार सिख और हिंदू समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई और दोनों समुदायों के लिए एक एक सीट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति भी काफी बेहतर हुई है और निम्न सदन में उनके लिए 40 से ज्यादा सीटें आरक्षित की गई हैं। समुद्र में तैरता नजर आया बिना सिर का जीव। अंटार्कटिका के समुद्र में बिना सिर का जीव तैरता नजर आने से लोग हैरान रह गए। लोगों ने इसका नाम हेडलेस चिकन फिश रखा है। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इस जीव के शरीर में सिर नहीं दिखता, लेकिन पैरों के सहारे यह अपने भोजन को चम्मच नुमा मुंह में डालता है। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि यह दुनिया में अब तक देखे गए जीवों में सबसे अजीब और शानदार जीव है। 7 दिन लगातार मोबाइल चलाती रही महिला, हाथ हुए बेकार। चीन की समाचार वेबसाइट सांगा ईस्ट के अनुसार हुनान प्रांत के चांगासा में एक महिला ने लगातार 7 दिन तक इतना मोबाइल फोन चलाया कि उसकी उंगलियां सीधी नहीं हो रही थी। इस महिला ने दोस्तों से चैटिंग के लिए बाकायदा 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। फोन महंगा होने के कारण वह उसे हमेशा हाथ में पकड़े रखती थी। ऐसे में महिला के हाथ में दर्द शुरू हो गया। पोस्ट ऑफिस में आरडी पर मिल रहा बैंकों से ज्यादा ब्याज। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम आरडी में पैसे डालकर आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इस स्कीम में 10 रुपए महीने से भी निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी पर बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 1 से 5 साल की आरडी पर पोस्ट ऑफिस में 7.3% सालाना ब्याज मिलता है। आरडी में छोटी जमा राशि को हर महीने डिपॉजिट कर एफडी जितना ब्याज पाया जा सकता है। ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत से ज्यादा मेहमान टीमों ने खेले वनडे मैच। मुंबई स्थित ब्रेबोर्न स्टेडियम में मेजबान से ज्यादा मेहमान टीमों ने वनडे मुकाबले खेले हैं। यहां सबसे ज्यादा वनडे वेस्टइंडीज ने खेले हैं। यहां पहला वनडे 23 अक्टूबर को 1989 को एमआरएफ वर्ल्ड सीरीज नेहरू कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। भारत ने यहां अपना एकमात्र वनडे 29 नवंबर 1995 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद दूसरा वनडे वेस्टइंडीज के साथ विगत 29 अक्टूबर को खेला है। अब अगले साल फरवरी में रिलीज होगी फिल्म टोटल धमाल। धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म टोटल धमाल अब अगले साल रिलीज होगी। इसकी रिलीज डेट लगातार आगे बढ़ रही है। अजय देवगन ने ट्वीट कर कहा कि उनकी अपकमिंग फिल्म टोटल धमाल की रिलीज डेट अब बदल गई है। फिल्म दे दे प्यार दे की भी रिलीज डेट बदली गई है। पहले फिल्म टोटल धमाल 7 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 22 फरवरी 2019 को रिलीज होगी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।